गुड मॉर्निंग एवरीवन. हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है दैट इज़ ऑन नीड एंड बेनिफिट्स ऑफ डिपॉजिटरीज. इंट्रोडक्शन जब डिपॉजिटरी सिस्टम का हुआ 1996 में, जो डिपॉजिटरी एक्ट जब आपके पास हुआ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में, तो जो बेनिफिट्स थे इस सिस्टम को इन्वेस्टर्स को भी हुए, इश्यूअर को भी हुए, और इसने कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स द रैपिड ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन द कंट्री. तो क्या क्या बेनिफिट हैं वेरियस पार्टीज को डिपॉजिटरी के, वो हम इस लेक्चर में करेंगे. जो हमारा सबसे पहला है दैट इज़ बेनिफिट्स टू इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर्स को क्या क्या बेनिफिट हुए, ये बेनिफिट्स कहाँ से निकल के आ रहे हैं. जब हमने अपना चैप्टर शुरू किया था तो वहाँ पे हमने बात की थी कि अगर आप फिजिकल सिक्योरिटीज में डील कर रहे हो तो वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. डिपॉजिटरीज के आने के बाद वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो वही सारी प्रॉब्लम्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं बेनिफिट क्या क्या हुआ वेरियस पार्टीज को उसके पॉइंट्स में. तो सबसे पहला यहाँ पे जो बेनिफिट इन्वेस्टर्स को हुआ दैट इज स्पीडी ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज. डिपॉजिटरी सिस्टम इंट्रोड्यूस होने के बाद जो इन्वेस्टर के अकाउंट है अब उसमें सीधा डेबिट और क्रेडिट होगा, लीगल ऑनर वो बन गया सिक्योरिटीज का. तो अब अगर आपको किसी को सिक्योरिटीज सेल करनी है या ट्रांसफर करनी है आपको सिक्योरिटीज किसी को, तो आपको लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है. कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी, कोई आपको पेपर रजिस्टर नहीं करवाना, कोई डॉक्यूमेंट आपको ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप का जो कंपनी का रजिस्ट्रार है उसको सबमिट नहीं कराना. ऑन अ क्लिक आपकी जो सिक्योरिटीज है आपके अकाउंट से डेबिट क्रेडिट हो जाएंगी दूसरे पर्सन के अकाउंट में. और तो जो प्रोसेस था उसमें टाइम कम लगा, तो स्पीडी ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज का जो बेनिफिट है वो इन्वेस्टर्स को मिला. नेक्स्ट इज एलिमिनेशन ऑफ बैड डिलीवरी. आपका अकाउंट एक बार बन गया, उसमें एक बार सिग्नेचर आ गए, तो उसके बाद जब भी आप उसमें डेबिट और क्रेडिट आपके अकाउंट में होता है तो हर बार आपको सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं है. तो इसका मतलब जिसकी सिक्योरिटीज़ हैं उसी के पास पहुंचेंगी. तो जो भी प्रॉब्लम आपकी सिग्नेचर में स्मैच से रिलेटेड थी, बैड डिलीवरी फेक है या शेयर सर्टिफिकेट चोरी हो गया है, वो सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो गई. नेक्स्ट इज डेली रिकन्सिलेशन ऑफ अकाउंट्स प्रोटेक्ट्स इन्वेस्टर्स. हार्डली कोई चांस होता है जहाँ पे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के अकाउंट रिकनसाइल ना करें. रिकनसाइल करने का मतलब है कि जो डेबिट और क्रेडिट हर एक इन्वेस्टर के अकाउंट में, बेनिफिशियल ऑनर के अकाउंट में हुआ है और जो हर एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास इंस्ट्रक्शंस आई हुई थी इन्वेस्टर से कि इसको डेबिट और क्रेडिट करो, और जो डिपॉजिटरी के पास जो अकाउंट्स हैं इन्वेस्टर्स के, वो सारे रिकनसाइल हो जाते हैं. हर रोज रिकनसाइल होते हैं डेली बेसिस पे एट द एंड ऑफ एवरी ट्रेडिंग डे. बिना उसके जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, बिना इस ट्रेडिंग डे के वो रिकनसाइल किए हुए नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में वो फ्रेश स्टार्ट नहीं कर सकता है. तो डेली रिकन्सिलेशन ऑफ अकाउंट्स होता है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं. शेयर ट्रांसफर कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड. पहले क्या होता था, अगर किसी पर्सन ने जिसके पास शेयर्स हैं उसने अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करना है किसी दूसरे पर्सन को, तो जो कंपनीज हैं वो डिफरेंट तरीके के एक्सक्यूजेस देके उसे डिले कर सकती थी या रिफ्यूज़ भी कर सकती थी कि आपके नेम मिसमैच कर रहा है या आपके सिग्नेचर मिसमैच कर रहे हैं या कोई और अदर एक्सक्यूज देके. लेकिन डीमेटेरियलाइज होने से जो ये शेयर ट्रांसफ़र को रिफ्यूज़ की जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो गई. अब ऑन अ क्लिक आपका ऑटोमेटिकली जो डिपॉजिटरी मोड है अगर आपके पास वो है, ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपने अगर शेयर को ट्रांसफ़र करना है तो डेबिट और क्रेडिट सीधा हो जाएगा और कोई आपको लंबे प्रोसेस में जाने की ज़रूरत नहीं है कि इसके नेम पे रजिस्टर करवाना है या कौन लीगल ऑनर है. जिसके अकाउंट में, जिसके डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटीज पड़ी हैं वही उसका लीगल ऑनर माना जाएगा. नेक्स्ट इज नो स्टैम्प ड्यूटी. फिजिकल ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज अगर आप कर रहे हैं तो स्टैम्प ड्यूटी पेबल होती थी ऑन द बेसिस ऑफ जो भी वैल्यूज सिक्योरिटीज की आप परचेज कर रहे हो, लेकिन डिपॉजिटरी मोड में कोई भी स्टैम्प ड्यूटी नहीं पेबल होती है. नेक्स्ट इज ईजी टू होल्ड डीमेटेरियलाइज सिक्योरिटीज. डीमेटेरियलाइज सिक्योरिटीज फंजेबल होती हैं. फंजेबल मतलब का इंटरचेंजेबल होती हैं. इसका मतलब सिंपल सा इतना है कि अगर आपके पास शेयर सर्टिफिकेट्स होते फिजिकल फॉर्म में, तो हर एक शेयर सर्टिफिकेट का डिफरेंट सीरियल नंबर या नंबर उसका होता है, तो आप एक शेयर सर्टिफिकेट को दूसरे शेयर सर्टिफिकेट के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते. लेकिन
डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में कोई हर एक शेयर का अलग नंबर नहीं होता, ऑल आर आइडेंटिकल, तो वहाँ पे इजीली वो इंटरचेंजेबल है, तो इजी टू होल्ड है डीमेटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज. देन पीरियोडिक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है इन्वेस्टर को कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट उसे प्रोवाइड करवाता है रेगुलर इंटरवल्स में कि उसके पास कितनी सिक्योरिटीज वो होल्ड करके रखता है. वो इन्वेस्टर्स जिनका लार्ज पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो का मतलब है सेट ऑफ सिक्योरिटीज. अब एक पर्सन है, उसने अगर 10 लाख इन्वेस्ट किए हुए हैं सिक्योरिटीज में और उस सिक्योरिटीज में से जो 2 लाख है उसने ABC के शेयर्स लिए हुए हैं, 3 लाख उसने CD के शेयर लिमिटेड के शेयर लिए हुए हैं और 5 लाख उसने म्यूचुअल फंड्स लिए हुए हैं, तो उन तीनों को जो ये तीन सिक्योरिटीज का सेट बना उसे हम पोर्टफोलियो कह रहे हैं. तो लार्ज अगर पोर्टफोलियो है इन्वेस्टर का तो इजी हो जाता है उसे अपनी होल्डिंग्स का ट्रैक रखने में और अपडेटेड वो रहता है उसके पोर्टफोलियो के लेटेस्ट स्टेटस से कि कितना उसके पास सिक्योरिटीज डेबिट और क्रेडिट है. देन इंक्रीज इन लिक्विडिटी, कंपल्सरी ट्रेडिंग है डीमेटेरियलाइज सिक्योरिटीज में स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो हेल्प करता है इन क्विक सेटलमेंट ऑफ ट्रेड ट्रांजेक्शन. एट प्रेजेंट जो ट्रेड ट्रांजेक्शन है सेकेंड वर्किंग डे, जब आपका जो ट्रेड डे है उसके सेकेंड वर्किंग डे पे वो सेटल्ड हो जाती है, तो क्विक सेटलमेंट की वजह से जो लिक्विडिटी है सिक्योरिटीज में वो सेकेंडरी मार्केट में वो इम्प्रूव हुई है. ट्रेडिंग डे किसे कहते हैं, जैसे हमने ऊपर बात की थी अपने पिछले लेक्चर में कि जो ब्रोकर्स से जब स्टॉक एक्सचेंज में वो ट्रेड कर रहे थे सिक्योरिटीज में, तो जब आपका जिस दिन आपका ऑर्डर मैच किया, जैसे हमने जो एग्जांपल लिया था कि राम ने और श्याम ने जो शेयर्स हैं वो खरीदने और बेचने हैं, तो दोनों ने अपने अपने ब्रोकर को बोला, ब्रोकर ने अपने अपने सिस्टम में ऑर्डर डाला और जो स्टॉक मार्केट थी, स्टॉक एक्सचेंज था, स्टॉक एक्सचेंज के सिस्टम में वो ऑर्डर गया. तो जब वो मैच किया ऑर्डर, जब मैच किया ऑर्डर, तो वो वाला जिस दिन मैच किया उस वाले दिन को हम ट्रेडिंग डे कहते हैं. ट्रेडिंग डे को हम टी से डोनेट करते हैं, टी को हम ट्रेडिंग डे बोलते हैं. तो टी प्लस टू अगर सेटलमेंट पीरियड है, सेटलमेंट पीरियड का मतलब कि कितने पीरियड के अंदर आपका जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट होना चाहिए, मतलब जो आप खरीद रहे और बेच रहे हो उसकी सेटलमेंट हो जानी चाहिए, जिसके उन्हें खरीदना है उसको सिक्योरिटी मिल जानी चाहिए, जिसने बेचना है उसको पैसा मिल जाना चाहिए. तो वो जो सेटलमेंट है वो कितने टाइम पीरियड के लिए के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए उसे हम सेटलमेंट पीरियड बोलते हैं. जैसे सेटलमेंट पीरियड का अगर एग्जांपल ले, अगर टी प्लस टू डे बोला जा रहा है, टी मतलब ट्रेडिंग डे, प्लस टू मतलब ट्रेडिंग डे से प्लस टू वर्किंग डेज के अंदर वो ट्रांजेक्शन आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए. तो जितनी जल्दी, जितना छोटा आपका ट्रेडिंग सेटलमेंट का जो पीरियड है वो होगा, उतना ज़्यादा आपकी जो लिक्विडिटी की फैसिलिटी है, लिक्विडिटी की जो सर्विसेज है वो इम्प्रूव होंगी. तो क्विक सेटलमेंट की वजह से लिक्विडिटी जो है सिक्योरिटीज़ में वो इंक्रीज हुई है सेकेंडरी मार्केट में. नेक्स्ट इज एलिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू चेंज ऑफ एड्रेस ऑफ इन्वेस्टर. अगर इन्वेस्टर का एड्रेस चेंज हुआ है, पहले क्या होता था, अगर सपोज वो 10 सिक्योरिटीज उसके पास हैं और उसका एड्रेस चेंज हो गया, तो उसे 10 की 10 कंपनीज के पास जाके अपना एड्रेस चेंज करवाना पड़ेगा, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है. अगर उसका एड्रेस चेंज हुआ है तो उसे सिंपल जो अपना डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है उसको इन्फॉर्म करना है और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट उसके डीमैट अकाउंट में जो एड्रेस मेंशन है वो चेंज कर देगा और वो सभी सिक्योरिटीज में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज योर एलिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रांसमिशन. जो भी आप ट्रांसमिशन ऑफ शेयर ट्रांसफर अगर आपकी करनी है आपने जो सिक्योरिटीज हैं, तो उससे जो प्रॉब्लम्स रिलेटेड थी वो ख़त्म हो गई. जैसे डीमेटेरियलाइज्ड अगर आपके पास सिक्योरिटीज़ हैं, तो जो ट्रांसमिशन का प्रोसेस है कि किसी की डेथ हो गई है या इंसॉल्वेंसी हो गया है, तो दूसरी पार्टी के पास जो है वो जानी चाहिए सिक्योरिटीज़, तो वो जो ट्रांसमिशन का प्रोसेस था वो कन्वीनियंट हो गया है. उसकी फॉर्मेलिटीज़ जो थी डीमैट अकाउंट में, एक बार आपने सिर्फ DP को सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और आप जितनी भी अगर उसके पास 10 कंपनीज की सिक्योरिटीज़ हैं वो सबके लिए इफ़ेक्ट हो जाएगा. लेकिन अगर फिजिकल सिक्योरिटीज़ होती तो हर एक जो होल्डर है, सर्वाइविंग जो लीगल हेयर है या नॉमिनी है, उसको हर एक कंपनी के साथ
डील करना पड़ता अलग से, लेकिन अगर डीमैट फॉर्म में है तो उसे खाली डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं और जो भी उस पर्सन का नॉमिनी था उसको वो जो सिक्योरिटीज हैं वो मिल जाएंगी। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज, इसके अलावा अदर बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं। डिपॉजिटरी सिस्टम की वजह से जो ब्रोकरेज की कॉस्ट थी वो कम आई है फास्टर सेटलमेंट्स होने की वजह से टेक्नोलॉजी का यूज करके। पेपर वर्क में कम हुआ है, पेपर वर्क कम हुआ है, रिडक्शन इन पेपर वर्क, फास्ट डिसबर्समेंट्स होती है कॉर्पोरेट बेनिफिट्स की, डिविडेंड राइट शेयर्स बोनस शेयर्स एक्सेट्रा के जो बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा जल्दी मिल जाते हैं जो होल्डर्स हैं उनको। ईजी लैंडिंग बाय बैंक्स अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ डीमेटीरियलाइज्ड सिक्योरिटीज। बैंक से अगर आपने लोन लेना है तो ईजिली आपको आपकी जो डीमेटीरियलाइज सिक्योरिटीज हैं आप उन्हें सिक्योरिटी रखकर उन्हें लोन ले सकते हैं। देन नो ऑड लॉट प्रॉब्लम अराइज होती है, मतलब कोई अराइज नहीं होती है जो ऑड लॉट की प्रॉब्लम है। ऑड लॉट मैंने क्या कहा था कि आप एक शेयर को नहीं बेच सकते या दो शेयर को नहीं बेच सकते अगर आपके पास फिजिकल फॉर्म में है, आपको एक ट्रेडेबल लॉट में ही उसे खरीदना या बेचना पड़ेगा। से कि एग्जांपल की 100 शेयर्स हैं, 100 शेयर्स को ही आप खरीद या बेच सकते हो एक बार में, तो वो चीज़ डिमेटेरियलाइज फॉर्म में अगर आपके शेयर्स हैं तो वो चीज़ वो प्रॉब्लम जो है अराइज नहीं होती है। आप इवन वन शेयर को भी खरीद और बेच सकते हैं। देन ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाती हैं सिक्योरिटीज डीमैट अकाउंट में अगर मर्जर हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है या कोई भी कंपनी जो है उसकी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, तो उस केस में भी आपके डीमैट अकाउंट में ऑटोमेटिकली जो सिक्योरिटीज़ हैं वो डेबिट और क्रेडिट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो बेनिफिट्स मिलते हैं कंपनीज को, इश्यूअर्स को, कंप्लीट रिकॉर्ड इन्वेस्टर्स का, बेनिफिशियल ऑनर्स का उनके पास होता है। डिपॉजिटरी कंप्लीट डिटेल कंप्लीट रिकॉर्ड्स बेनिफिशियल ऑनर्स का रखती है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू, और डिपॉजिटरी ये रिकॉर्ड प्रोवाइड करवाती है इश्यूअर कंपनी को या उसके रजिस्ट्रार को या ट्रांसफर एजेंट्स को रेगुलर इंटरवल्स पर। नेक्स्ट ईजी एंड क्विक डिस्पर्समेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट बेनिफिट्स। कंपनी ने अगर किसी भी तरीके का डिविडेंड बोनस शेयर राइट शेयर्स देने हैं अपने शेयर्स पे तो वो ईजिली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। देन रिडक्शन इन पेपर वर्क, पेपर वर्क आपका कम हो जाता है। नो रिस्क ऑफ फेक शेयर सर्टिफिकेट। फेक शेयर जब सर्टिफिकेट आपके फिजिकल फॉर्म में है ही नहीं तो फेक सर्टिफिकेट्स बन ही नहीं सकते। देन नेक्स्ट इज योर बेनिफिट्स टू इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज को क्या बेनिफिट होता है? मिनिमम पॉसिबिलिटीज फ्रॉड्स की, कोई सिग्नेचर मिसमैच की कोई प्रॉब्लम नहीं, बेनामी होल्डिंग्स फ्रॉड्स एक्सेट्रा की जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होती है। देन इंक्रीज इन ट्रेडिंग वॉल्यूम, क्योंकि फास्टर सेटलमेंट हो रही है तो जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का, डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स का, वो इंक्रीज हो जाता है इंडियन कैपिटल मार्केट में, और उससे ट्रेडिंग वॉल्यूम्स जो हैं स्टॉक मार्केट में वो इंक्रीज हो जाता है। देन रिडक्शन इन पेपर वर्क, कोई पेपर वर्क आपका यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता, ट्रांजेक्शन कॉस्ट इंटरमीडियरीज की कम हो जाती है, और ब्रोकर बेटर सर्विसेज लोअर ब्रोकरेज कॉस्ट पर प्रोवाइड करवा सकते हैं इन्वेस्टर्स को और इश्यूअर्स को जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो प्रोवाइड करवाते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम में। तो ये थे आपके बेनिफिट्स डिपॉजिटरी सिस्टम के। जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा डिफरेंस बिटवीन डीमैट एंड फिजिकल शेयर्स, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।